है कि सूरह बकरा में जो आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कि वो यानी कि उनको मना किया गया था इस दरख्त के पास जाने के बाद। हाँ, उसके मुताबिक मैं कई दफ़ा तशरीह कर चुका हूँ, दरसों में भी बयान कर चुका हूँ। सॉरी, एक सेकंड। सॉरी, खुलासा ये है कि जन्नत जिसका जिक्र है वो मौलवी जिसको जन्नत समझते हैं आसमान पर बनी हुई जन्नत वहाँ से झटका देते नीचे फेंक दिया था, ये सब कहानियाँ हैं। जन्नत से मुराद शरीयत है, रूहानी तालीम है, क्योंकि कुरान करीम खुद साबित करता है कि शजर से मुराद क्या है। एक जगह वहां पर यह फरमाया ना कि शजर ममनूना से ममनूआ का फल नहीं खाना, और दूसरी जगह कुरान करीम ने शजरा की शजर को कहते हैं दो किस्में बयान फरमाई, एक शजर तजुबा और एक शजर खबीसा। शजर तजुबा के मुतालिक फरमाया तो कलमा तजुबा है जिसकी जड़ें जमीन में प्रवस्था हैं और शाखें आसमान से बातें करती हैं और खुदा के इज़्ज़त से हर मौसम में फल देता है। तो शजर तजुबा से मुराद वो पाक कलाम है जिसके नतीजे में मोमिन रूहानी जिंदगी पाता है, और शजर खबीसा की मिसाल ये है वो दरख्त जिसकी शाख जिसकी जड़ें टूट चुकी हैं और वो हवाएं उसको दुनिया में एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पहुँचाती हूँ, कोई उसको फलने जाएगा वो सूख जाएगा खत्म हो जाएगा। तो खुदा ने जब खुद शजरा की तारीफ करवा दी तो जहाँ आदम की जन्नत में शजरा का जिक्र है वो इसी तारीफ के मुताबिक है, तो जाहिर जवाब नहीं था।